बाबा हरभजन सिंह। मेरा नाम अभिषेक है। मेरा बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना था और अभी पूरा भी हो गया। मेरी आर्मी में नई नई जॉइनिंग थी। अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से जा रहा था। मैंने देखा एक ट्रेन की सीट के पास आकर बहुत सारे जवान उस सीट पर हाथ जोड़कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से रखे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं अपनी आंखें बंद करके सो गया। देर रात मेरी आंखें खुली तो अंधेरे में मैंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहने बैठा एक लड़का देखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और मुझे एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे देखते ही मैं थोड़ा घबरा गया और उठकर बैठ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, क्या ये सीट आपकी है? उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब मैंने पूछा कि वो लड़का कौन है और लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे। इस बात पर उस लड़के ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, पर फिर वो लड़का एक मुस्कान लिए उसे देखता रहा। मैं उस लड़के को कुछ देर तक देखता रहा और फिर लेट गया। और कुछ ही सेकेंड बाद जब वापस मैंने उस सीट पर नज़र घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात मैं उस लड़के के बारे में सोचते सोचते सो नहीं पाया और उसकी खाली सीट को देखता रहा। सुबह हुई, जब स्टेशन आया तो कुछ आर्मी अफसर उस लड़के की सीट के नीचे रखे दो बक्से लेने आए। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बाकी अफसर से उस लड़के के बारे में पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं यह किसकी सीट है और सब जवान यहाँ हाथ जोड़ कर क्यों जा रहे थे? आपकी नई जॉइनिंग है क्या? जी हाँ, उन अफसर ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है जिनकी 1968 में मौत हो चुकी थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन की थी और 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई। 3 दिन तक जब तक उनकी लाश नहीं मिली तब तक बाकी फौज वालों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनका शव कहाँ मिलेगा वो बताया। जब आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव उसी एग्जैक्ट जगह से मिला। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर उन्हें दुश्मन के प्लान के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चीन बॉर्डर पर 40 साल से इंडिया की रक्षा करते आए हैं। कहते हैं रात में पहरा कर रहे फौजियों की अगर आंख लग जाती है तो वो उन्हें चांटा मारकर सतर्क भी करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है और उन्हें कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई है। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है जहाँ उनका एक कमरा है। हर रोज उनका बिस्तर बिछता है और उनकी यूनिफॉर्म और जूते वहाँ रखे जाते हैं। हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तब बिस्तर पर सिलवटें और उनके जूतों में कीचड़ पाई जाती है। और तो और, उन्हें हर साल घर जाने के लिए 2 महीनों की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है। और उस समय सिक्किम के जवान हाई अलर्ट पर होते हैं। यह सब सुनकर मैं दंग रह गया और अपने बंकर पहुँचते ही सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया जहां मैं ट्रेन में हरभजन सिंह के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में सोचने लगा। और सोचते सोचते मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैंने उनकी छवि देखी।